यू आर वेलकम एट एनरिच इंग्लिश टीवी। ये क्वेश्चन आंसर जो अभी मैं आपको करा रहा हूँ, ये लुईस ब्रेल वाले चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, डी पार्ट। बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट मैं करा चुका हूँ। मेन जो रिटन क्वेश्चन आंसर वो भी मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड लुईस लूज हिज साइट? किस प्रकार से लुईस ब्रेल की जो आँख की दृष्टि ख़त्म हो गई थी? तो आंसर हमने देना, तो नीचे जो आंसर दिए हुए हैं, तीन ऊपर क्वेश्चन है और तीन आंसर दिए हुए नीचे। तो वंस व्हाइल प्लेइंग विद द टूल्स इन हिज फादर्स वर्कशॉप, जब एक बार वह टूल्स के साथ अपने पिताजी की वर्कशॉप में खेल रहा था, लुईस एक्सीडेंटली पॉक्ड हिज आई विद एन ऑल। लुईस की आँख में एक औजार होता बहुत नुकीला पैना, और दुर्घटनावश उसकी आँख में चुभ गया। आल जो है ये एक औजार है जो लेदर काटने के काम आता, छेदने के, तो उसकी लुईस की आँख में वो चुभ गया था। द वाउंड वॉज नॉट बिग, घाव ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट इट गोट इन्फेक्टेड एंड ए फ्यू डेज लेटर लुईस लॉस्ट साइट इन बोथ आइज। घाव कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन ये इन्फेक्शन हो गया था इसमें, एंड कुछ दिन बाद लुईस की जो है दृष्टि ख़त्म हो गई, आँखों में जो दृष्टि होती देखने की वो ख़त्म हो गई थी। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, व्हाई डिड लुईस गेट इम्पेशेंट, लुईस इम्पेशेंट क्यों हो जाता है? विद द बुक्स इन द स्पेशल स्कूल, स्पेशल स्कूल में जो बुक्स थी उनको देख करके वो बेचैन क्यों हो गया? आंसर देखिए नीचे, लुईस गॉट इम्पेशेंट विद द बुक्स इन द स्पेशल स्कूल बिकॉज इट टुक ए फ्यू सेकेंड्स टू रीड ईच वर्ड। लुईस जो है इम्पेशेंट इसलिए हुआ बुक्स को देख करके स्पेशल स्कूल में, क्योंकि इट टुक ए फ्यू सेकेंड्स टू रीड ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द को पढ़ने में केवल एक सेकेंड लगती थी। एंड बाय द टाइम ही रीच्ड द एंड ऑफ द सेंटेंस, लेकिन जब वो सेंटेंस के अंत तक पहुंचता पढ़ते हुए, ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन द बिगनिंग ऑफ इट, वो कहाँ से उसने शुरुआत की सेंटेंस की, वो तब तक वो सेंटेंस के अंत तक पहुंचता उन शब्दों को उन बातों को भूल चुका होता, इससे बड़ा उसको बेचैनी हुई, वो इम्पेशेंट हुआ, राइट। अभी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ डिड लुईस डेवलप द न्यू सिस्टम ऑफ रीडिंग, रीडिंग का नया सिस्टम लुईस ने किस प्रकार से डेवलप किया? आंसर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर थ्री, लुईस इम्प्रूव्ड अपॉन द नाइट राइटिंग कोड यूज्ड बाय द फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच आर्मी के द्वारा जो इम्प्रूव किया हुआ था नाइट राइडिंग कोड, रात के समय जो कोड होता है फौजी जो फ्रांस में जो फौजियों को रात में पढ़ने के लिए वो भेजते हैं, तो उससे इसको आइडिया मिला था। ही मेड अप एन अल्फ़ाबेट एंटायरली ऑफ सिक्स डॉट्स, तो उसने शेष छः जो है डॉट से अल्फ़ाबेट बनानी शुरू की। द पोजिशन ऑफ द सिक्स डॉट्स रिप्रेजेंटेड द डिफरेंट लेटर्स, जो सिक्स डॉट्स हैं इनको अलग अलग वर्ड्स के लिए लेटर के लिए रिप्रेजेंट किया गया ऑफ द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का। ही यूज्ड एन आल, उसने वही जो उसके आँख में चुभी थी आल, जो औजार था उसके पिताजी का, तो ही यूज्ड एन आल, उसने इसी आल का यूज़ किया टू रेज द डॉट्स, उन डॉट्स को उभारने में ऑफ द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का, दैट वुड इनेबल द ब्लाइंड टू रीड, जिससे कि ब्लाइंड आदमी भी पढ़ सके। तो ये रिटन क्वेश्चन आंसर की आपकी वीडियो है, इनको कम्प्लीटली कीजिए, आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल गिव योर आंसर ऑफ दिस एनी डिफ़िकल्टी। थैंक यू वेरी मच।